ऑटो वाला थोड़ा कम समझ रहा था। और जानते थे कि आप हैं, हाँ? मिस्टर डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा, मेरा मुझ पे ही? सीरियसली यहाँ से? काफी स्मार्ट हो तुम्हें, बच के रहना पड़ेगा। अरे वो तो मैं हूँ, श्री श्री रो। कौन? अनित, तू है ना? क्या हुआ रोहन? मुझे डर लग रहा है, चलो ना। अरे डरने की कोई बात नहीं है सूर, मैं जानता हूँ इसे। क्या हाइड एंड सीक क्या खेल रहा है अमित? कुछ बोलना है तो सामने आ। मानना पड़ेगा यार तेरे को रोहन। यार तू पहचान कैसे लेता है? नाक खतरनाक है तेरी। रास्ता छोड़। अरे यार तू डिसाइड कर, कभी बोलता है सामने आके बात कर, कभी बोलता है रास्ता छोड़। रास्ता छोड़। अच्छा चल छोड़ दिया, जा जा। अच्छा सुनिए यार, एक बहुत जरूरी बात पूछना था तेरे से। देख अपन फुल ट्राई मारने के बाद भी अपन से काम वाली बाई नहीं पड़ती। तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार। तुम इससे बात कर, बीवी है मेरी, समझा? रोहन कॉलर छोड़। ओ तेरी, अरे ये क्या है? वसीम देख देख लगता है अपने हैंडसम ने कल रात को अखी ब्लू फिल्म बना डाली। क्या बात कर रहा है? ए रोहन, ए पता ना तूने भी उसको दिया क्या बाइटिंग? ए पता ना बोलना किधर दिया? नहीं 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 मत बोल मत बोल, साला मैं ही देख लेता हूँ। कमजोर मत समझ, पहली बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार समझ दे तू, कमजोर मत समझ। शीलू आंटी, माधुरिता है, चिरके भाभी, आओ सब लोग। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। पर तुम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। यही तो थे रोहन, कहाँ गए? वो गए सु, वो गए। सुप्रिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आंटी। ये क्या है? एक्चुअली आंटी हमारा फ्रिज खराब हो गया है, आप दूध रख लेंगे अपने? हाँ हाँ क्यों नहीं। कहाँ हो तुम? आज कितनी बार फोन किया मैंने, पता है आज स्टूडियो में कौन आए थे? आमिर खान। करवानी थी बात लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, कमाल कर दी यार, इतना अच्छा चांस था, मिस हो गया। अरे जवाब तो दो सू, क्या हुआ सू? सू सू तू ठीक तो है? सू मुझे बता क्या हुआ? सू सू क्या हुआ? सू मुझे बता, सू मुझे बता क्या हुआ? सू आपकी वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और वसीम दोनों को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन ऐसे केस में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है मिस्टर भटनागर, और अभी करवाना जरूरी है विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें प्लीज तैयार कीजिए। इनकी फैमिली वगैरह? नहीं मैं सिर्फ बस मैं केस कहाँ है सर, वो उन्हें देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज़ भी पहचान नहीं सकती।
पूरा केस उसकी नाक पे है सर, तो क्या कोर्ट रूम में सबको सूंघते बैठेगी और जज नाक की गारंटी लेगा क्या? इसीलिए मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। हेलो जी। ठीक ओके। आ गया फोन। ऐसे टाइम पे आता ही है सर। फोन का क्या है, फोन तो ऐसे ही आता रहता है। तो मेरे फोन पर कम, अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दो। यस सर। ले जाओ उसे मसीना हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। यस सर। चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है, आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और तुम्हें चौबे साहब ने चौके बुलाया। जी सर। क्या रहा है? कब से ठोक ठोक के दिमाग की मां बहन कर रहा है। देख 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे, फिर तू जा। अरे पर क्यों? अगर तूने दोबारा से दरवाजा ठोका ना तो तेरी बीवी की फिर से। आपकी रिपोर्ट तैयार है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। मिस्टर भटनागर, इस रिपोर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। रेप के बाद के 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए। आप 30 घंटे के बाद आए, वो भी भीग कर। ऑल एविडेंस सीम्स टू हैव बीन वॉश्ड अवे। क्या किडनैप किया, बंद किया, फिर समंदर में छोड़ दिया? हाँ? गवाह है क्या इसका कोई? हाँ? येड़ा समझाएगा मेरे को? है? मैं सब समझता हूँ, पर बहुत छाने लोग हो तुम। ओ मैडम, अरे रेप हुआ है क्या आपके साथ? क्या इसी? क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं रहे आप बात को? तू लंबा जाएगा? लंबे जाओगे दोनों, कॉर्पोरेटर को फंसाने के चक्कर में। मानहानि और फ्रॉड दोनों का केस ठोकेगा तुम पे। चौबीस साहब कहाँ? मुझे उनसे बात करनी है। साहब बंदोबस्त पे है। और क्या उनसे क्या बात करेगा तू? हाँ? पहले मुझसे बात कर। ये देख, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप, साफ साफ लिखा है। तुम लोग फ्रॉड हो, फ्रॉड।
पहले रेप का कंप्लेंट किया, फिर 24 घंटे गुल। 24 घंटे में सोचा है कुछ तोड़पा नहीं करेंगे, क्यों बराबर है ना? अरे कैसा इंसान है रे तू, औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या? शर्म कर। अरे वर्दी ना होती ना तो तेरा मुंह तोड़ देता मैं। सब बकवास है, नहीं मानता मेरी रिपोर्ट को। करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल। चल सुन, चल। कहीं नहीं जाना मुझे रोहन, लेकिन कहीं नहीं जाना मुझे। सुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो क्या कर रहे लोग हमारे साथ? लेकर अब तक तुम्हारे साथ वो ही कर रहे। प्लीज रोहन मुझे कर लो, चलो मैं बहुत थक गई हूँ रोहन, मुझे खिला रही है यहाँ पे। प्लीज रोहन प्लीज मुझे कर लो, चलो चलो से नहीं रहे घर, चलो भूखी है सुबह, तुम खा लो। रोहन खाना नहीं खाना तो सोने चलो। मैं कुछ देर बैठूंगा सुबह, तुम प्लीज तुम सो जाओ प्लीज। रोहन मैं समझ सकती हूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास मेरा एनजीओ वाला जॉब है, मैं वहीं वापस चली जाऊँगी। मुझे पता है हम जैसे पहले थे ऐसे कभी नहीं रह सकते। मैं समझ लूंगी कि कल से पहले सब कुछ सिर्फ एक सपना था। खाना टेबल पे रखा है रोहन, थोड़ा सा खा लेना।